लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक मिनट। देखो, शारदा के लिए मीठी मीठी चॉकलेट और गोपी के लिए ये खिलौना जो तुमने मांगा था। हाँ, चाचा को कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा तो फिर हो जाए। अरे वाह वाह आकाश, तुम बच्चों को बहुत बिगाड़ते हो। अरे भाभी, तुमने भी तो मुझे बिगाड़ा था। ये लो, तुम्हारे लिए साड़ी और भैया के लिए कुर्ता। साड़ी तो मैं एक ही दफा लूंगी तुम्हारी शादी पे, और गहने भी लूंगी। अरे हाँ हाँ, जरूर लेना, अभी तो लो। लेकिन आकाश, तुम ये सब के लिए सब लाए हो, अपने लिए कुछ नहीं? हाँ, अपने लिए अगले महीने ले आऊंगा, तनख्वाह मिलते ही। वाह वाह वाह, कौन सा अगला महीना, कौन सी तनख्वाह? क्या बात है रामलाल जी, आपको आकाश ने बतलाया नहीं, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। रामलाल ये मेरे तो कुछ कहा नहीं, खामखा बिगड़ने लगे। नमस्ते जी मैडम। क्या ये सच है आकाश? हाँ भैया, मेरी नौकरी चली गई, और इसलिए चली गई कि मैं सच्चाई और इंसाफ का साथ दिया, दौलत और ताकत का नहीं। मगर इंसाफ और सच्चाई से पेट नहीं भर सकते, घर नहीं चल सकते। याद कर रहे भैया, ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। छोड़ो ना ये सब, ये एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी। चलो ना, चाय पिलो चल के। मुझे नहीं चाहिए चाय, मैं दफ्तर से पी के आया हूँ। चलो आकाश, तुम चलो। मुझे भी नहीं चाहिए भाभी, मैं भी दफ्तर से पीकर आ रहा हूँ। चलो तुम तो दूध पी लो। मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें भी क्यों चाहिए, देखा देखी बच्चे भी वही करते हैं जो बड़े कर रहे हैं। चलो। नहीं, नहीं। रोना नहीं, रोना नहीं बोला ना, हंस तो, हंस तो। अरे बाबा, लाती हूँ लाती हूँ लाती हूँ, देखो तुम चोर बन गए, अभी बच्चे बन गए है ना। वाह, क्या कहने हाउसिंग स्कीम पे, क्या कहने, लोग पैसे भी दे जाते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं। अभी तक कितना मालिक अच्छा हुआ होगा? हो गया कोई 5 लाख। मगर सेवाराम, तुम्हें लाखों की क्यों फिक्र है भाई, कहते हैं एक वक्त एक ही काम करो, तुम दारू पियो। अरे तुझे मालूम है कि शहर में पानी की कितनी तंगी है? ले जा। जनता बिचारी एक एक बूंद पानी को तरस रही है और ये विस्की में पानी मिला रहा है। सेवाराम स्वदेशी वाला है, खालिस घी खाता और पीता भी खालिस ही है। मालिक, मालिक। क्या बात है? वो मास्टर सुबह से बाहर बैठा है। अरे तो भाई उसे भी बुला लेने, यही जरा सी पी लेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तुम चुप रहो सेवाराम। हाँ बोल बोल। वही पिटी पिटाई बात, 10 महीने की तनख्वाह बाकी है। बस इतनी सी बात और इतना शोर? अजी साहब, वो तो धरना मार कर बैठा है, कहता है जब तक मेरी मांग पूरी ना होगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मालिक वो तो पुराना सत्याग्रही है। अरे स्कूल में दूसरे मास्टर भी तो है, वो इसकी तरह मेरी छाती पर झंडा गाड़ने नहीं आए यहाँ। अजा उसको कह दो कि इस वक्त हम एक बहुत जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े सवालों में उलझे हुए हैं, डूबे हुए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है दफा हो जाओ। ये कहा उन्होंने? अमीर क्या जाने गरीब की भूख क्या होती है, 10-10 महीने तनख्वाह न मिले तो जिंदगी क्या होती है। पालक चंद, मुझे जाने दो, एक बार मुझे खुद अपने दुख की कहानी सुनाने। मैं भी नौकर आदमी हूं। आज 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मैंने सैकड़ों बच्चों को विद्या जैसी अनमोल चीज दी है, मगर मेरे बच्चे रोटी जैसी मामूली चीज के लिए पिनक रहे हैं। मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊंगा, मैं अपने भूखे बच्चों को क्या दूंगा सिवाय नासमों के। मुझे और मजबूर ना करो मास्टर, मैं पहले ही कह चुका हूं, जाओ यहां से जाओ।
मैं धर्मदास जी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। धर्मदास जी, धर्मदास जी। अरे तुम पिए हुए हो क्या? धर्मदास जी, दंगो धक्के मारकर बाहर निकाल दो शराबी को। ए मिस्टर, जरा थोड़ा सा पानी लाना। तुम अभी लाया? मास्टर जी, मास्टर जी, ये लो। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? है? मैं हूँ आपका पुराना विद्यार्थी आकाश। आकाश? हाँ, ये लीजिए। दस महीने से स्कूल में तनख्वाह नहीं मिली। मैं गया था धर्मदास के पास तुकरारों में, उसने ठोकर मारी और निकाल दिया। धर्मदास? लोग तो कहते हो बड़ा धर्मात्मा आदमी है। ये धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं, गरीबों के पैसे मारकर घर भर लिए, अपने घर भर लिए। अब मास्टर जी, यहां से उठिए, उठिए यहां से। अब तो न उठा जाता है, न जिंदगी की लाश उठाई जाती। मास्टर जी, मास्टर जी, टैक्सी। हालत बहुत खराब, इसलिए तो इनको आपके पास लाया। अरे भाई, इन्हें कहीं और ले जाते, यहाँ तो पूरी दवाइयां तक नहीं। दवाइयां तक नहीं? डॉक्टर के हाथ में दो कागज थमा दो, दवाइयां खुद बखुद निकल आएंगी। दो कागज? हाँ, वो समझा। डॉक्टर, या मरीजों की जान के सौदे होते हैं? क्या शोर मचा रहे हो? कह जो दिया दवाइयां नहीं है। दवाइयां नहीं है, यूं कहो कि दवाइयां ब्लैक में बेचते हो। डॉक्टर, अगर मेरे मास्टर जी को कुछ हो गया तो मैं। मास्टर जी, आकाश, बस मुझे शक है धर्मदास जी, आकाश को पता चल गया है कि हम पब्लिक डिस्पेंसरी की दवाइयां ब्लैक में बेचते हैं, और अगर पब्लिक को पता चल गया तो क्या होगा? अरे क्या होगा, लोग हमको अवतार समझते हैं, अब्बुल तो हमारे राज कभी खुलेंगे ही नहीं, और अगर आकाश ने खोल भी दिए तो लोग मानेंगे ही नहीं है। अरे कौन मान सकता है कि अवतार चोर हो सकते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कौन है भाई? वही दीनानाथ का भाई आकाश। आकाश? हाँ। आकाश भैया, कहो क्या हाल है तुम्हारा? आपको मालूम है कि मास्टर महेंद्र नाथ का देहांत हो गया? अरे रे रे, अरे रे रे।
क्या आदमी था मास्टर महेंद्रनाथ, महापुरुष, महान आत्मा। अब तो हमें उसकी याद में चौक के एन बीच घंटा घर के पास उसका बुत खड़ा करना पड़ेगा। मरने के बाद बुत? इतना ही नहीं, हमें उसके परिवार के लिए फंड भी इकट्ठा करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। तो फिर इस फंड कमेटी का चेयरमैन मैं तुम्हें बना दूंगा। अच्छा, हिस्सा मिलेगा? अब गिलन कोई अकल की बात, जरूर मिलेगा। कितना? जैसे हमेशा होता है, आधा धर्मदास जी का, आधा हम सबका, तुम्हें मिलाकर। क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, मास्टर का सारा फंड हम तुम्हें दे देंगे। बकवास! मैं तुम्हारी तरह लाशों का सौदागर नहीं हूँ धर्मदास। पहले लोगों को जान से मारते हो, फिर उनके नाम पर फंड इकट्ठे करते हो, वो भी उनकी विधवाओं और यतीमों के लिए नहीं, अपने लिए और इन भेड़ियों के लिए। नारायण नारायण, मास्टर की मौत का इल्जाम तुम मुझ पर धर रहे हो, इतना बड़ा अन्याय। अन्याय तुमने किया है धर्मदास, उस निर्दोष का खून तुम्हारे सर पर है। बड़े धर्मात्मा बनते हो। लोगों क्या मालूम कि उस धर्मात्मा के पीछे कैसा खूनी, कैसा लुटेरा छुपा हुआ है। यही नाम मिलता है देशभक्ति और प्रजा सेवा का। दुनिया में ऐसा होता ही आया है, अपने युग में बड़े बड़े महात्मा पहचाने नहीं गए, माने नहीं गए। गांधी को गोली मिली इनाम में, ईसा को सूली, और हमें तुम। अरे यूं कहो कि गांधी को गोली, ईसा को सूली, और बोली वाली जनता को मिले तुम। शर्म नहीं आती धर्मदास अपने आप को गांधी और ईसा से मिलाते हुए? अरे तुम इस काबिल कहां कि उनका पवित्र नाम भी अपनी गंदी जुबान से निकाल सको। आकाश, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। धर्मदास, ये धमकी किसी और को देना, एक ना दिन सबका हिसाब होता है, नेकी का बदी का। तुम लोगों ने अपने चेहरे पर धर्म के जो झूठे नकाब पहन रखे हैं, उन्हें उलट दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। ये क्या पागलपन है आकाश, पहले इतने लोगों के सामने इतने बड़े आदमी की बेइज्जती की, अब उनकी तकदीर की दुर्दशा कर रहे हो। धर्मदास आदमी नहीं भैया, डाकू है। आकाश, मैं एक लफ्ज भी धर्मदास जी के खिलाफ नहीं सुन सकता। मैं उनका नमक खाता हूँ, पूरे 10 साल से उनकी छाया में हूँ। वो कितने बड़े आदमी है वो मुझसे पूछो, तुम क्या जानो वो कितना दान करते हैं, कितना धर्म करते हैं। उसका धर्म एक दिखावा है, उसका दान एक छलावा है। ना जाने कितने लोग उस धोखे में मारे गए हैं, लूटे गए हैं। पता नहीं किसने तुम्हारे कान भरे। अगर धर्मदास जी की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को नौकरी से अलग कर देता। तुम्हें अभी जाकर उसे माफी मांगनी पड़ेगी। भैया नहीं, मैं ऐसे आदमी से कैसे माफी मांग सकता हूँ जिसने गरीब स्कूल मास्टरों के पैसे खाए, ना जाने कितने फंड हड़प कर चुका है, जिसकी लूट से ना तो स्कूल बचे है ना अस्पताल। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है भैया, अगर उसका बस चले तो मुर्दों के कफन भी बेचकर अपना घर भरते हैं। खामोश! आप धर्मदास के नौकर हैं, इसीलिए सच्चाई देख नहीं सकते हैं, मान नहीं सकते। बदतमीज! अरे अरे, क्या हो गया, ये जोश किस बात के लिए? तुम हट जाओ जी बीच में से, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, माफी तुम्हें अभी जाके मांगनी होगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैंने आज तक आपका हर हुक्म माना, ये नहीं मान सकता। फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। मूंगफली ला यार, बड़ी भूख लगी है, एक दो आने की मूंगफली तो दे। बाबू, कल से एक दाना नहीं खाया। ये लो मां, रहने दे दोस्त, फिर कभी सही। अच्छा साहब, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम
ये लो आकाश बाबू। मुझे भूख नहीं। मुझे सब पता है, तुम्हें दफ्तर से भी निकाल दिया गया है और घर से भी। चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर? रात के इस बेंच पर काटनी है, आसमान के नीचे। शहर के हजारों आदमी आसमान के नीचे सोते हैं। नहीं चंदा, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ नहीं, बल्कि तुम ऐसा नहीं करोगे हम पर। हम बस्ती वाले ठहरे, मूर्ख, अनपढ़, हम तुम्हारा झोपड़ा बना देंगे, तुम दो चार शब्द पढ़ा देना। बल्कि बस्ती वाले और मंगू काका खुद तुम्हें लेने आ रहे थे। मैंने कहा आकाश बाबू को लाना मेरा जिम्मा। चलो ना बाबू, चलो ना, तुम्हें मेरी कसम। एक बात बोलूं? भगवान कसम, तुम्हारी इस कसम में तो हमारी छुट्टी कर दी। चला। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ? हमने ढूंढ लिया चाचा। अच्छा, आओ। अच्छा ये बताओ, भैया और भाभी कैसे हैं? माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है चाचा। माँ ने आज खीर बनाई थी, हम तुम्हारे लिए ले आए। खाओ ना चाचा, खाओ ना। तुम खा। कैसी है? जैसे हमेशा होती है, बहुत मजेदार। सारी दुनिया में भाभी जैसी खीर कोई नहीं बना सकता। तो फिर तुम क्यों नहीं घर आके रखते अपने भाभी के पास? आऊंगा, एक दिन जरूर आऊंगा शारदा। तो चलो ना चाचा। गोपी, मैं अभी वहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। रोना चाचा नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना। रोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना, सलोना। रोना नहीं, सोते नहीं। चाचा, तुम्हारा खाना कौन बनाता है? खाना लो, खाना बनाने वाले भी आ गए। इसके होते हुए मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होती। चंदा, ये मेरे भाई के बच्चे। हमारे चाचा का ख्याल रखना। बहुत देर हो रही है, भाभी इंतजार कर रही है। अब तुम लोग जाओ। अच्छा चाचा। क्या बाबू, लड़ाई झगड़े बड़ों के होते हैं और रोना पड़ता है छोटों को। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आप जानते हैं कि मैं भी म्युनिसिपैलिटी का मेंबर हूं और सारी जिंदगी मैंने सारे शहर की सेवा की है। तो अब शहर वालों की यह मर्जी है कि मेरा एक बुत संगमरमर का बनवाकर शहर में किसी अच्छी जगह पर लगवा दिया जाए। लग जाएगा, लग जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना और है। बोलो बोलो। उसका उद्घाटन आप ही के हाथों से हो। हो जाएगा, तुम्हारा उद्घाटन हमारे हाथों से ही होगा। दुनिया कहाँ थी और गिरकर कहाँ आ गई है? उस देश का क्या होगा जिस देश में इस जैसे चूहे भी अपना बुत बनवाने लगे? नारायण नारायण। M-A-T, mat, mat माने? चटाई। R-A-T, rat, rat माने? चूहा। B-A-T, bat, bat माने? चमगादड़। C-A-T, cat? Cat माने बिल्ली। आ गए आप? H-A-T... अरे बाबा, ये झगड़ा किसने हो रहा? बस्ती में एक ही नर है बाबू साहब, जरा सी देर के लिए पानी आता है,
इसलिए लोग लड़ते हैं मरते हैं एक एक बूंद के खाते। लेकिन यहाँ लड़ने मरने से क्या फायदा, जाइए म्यूनसिपल ऑफिस में जाकर अर्जी दीजिए। छोड़ो बाबू, अब वहाँ हम गरीबों का अर्जी कौन सुनता है? जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं? नहीं बोल, तेरी हड्डी फसली तोड़ दूंगा कमजात। बोलती है नहीं बोल। शर्म नहीं आती औरत हाथ उठाते हुए? मेरी बीबी हो के मेरी बात नहीं मानती? बीवी से इस तरीके से बात करते हैं? तुम ही फैसला करो बाबू साहब। ये कहता है रामदास को ओढ़ दो, मैंने कहा नहीं। पिछली बार भी हमने रामदास को ही ओढ़ दिया था। उसने कहा था तुम्हारी बस्ती में बत्तियां लगवा देगा, नल लगवा देगा, मगर हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, मगर अपने झोपड़े की जगह शानदार बंगला बनवा लिया। अरे नल लगाए चाहे ना लगाए, 5 रुपया तो देता है। 5 रुपये? हाँ बाबू, मुखिया हमें 5 रुपया देता है और कहता है उस डिब्बे में वोट डालो, हम डाल देते हैं। मुखिया आपको 5 रुपये देता और कहता है उस डिब्बे में वोट डालो और आप डाल देते हैं? जी यही तो बुरा करते हैं, 5 रुपये के लिए इतना बड़ा हक अपना बेच देते हैं। 5 रुपये में कितने दिन रोटी खा सकते हैं? पूरे 3 दिन। और उसके बाद? इस बात का जवाब है किसी के पास? 3 दिन के आराम के लिए 3 साल तक आप लोग अपनी गर्दन उनके हाथ में दे देते हैं। आप लोग अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, आपको पता नहीं एक कागज के टुकड़े को जिसे आप वोट कहते हैं आप उससे क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो इस शहर की म्युनिसिपैलिटी को बदल सकते हैं, इस देश की गवर्नमेंट को बदल सकते हैं और उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने वादे पूरे करें और आपकी मांगे पूरी करें। तुम ही बताओ बाबू, हम लोग क्या करें? आप एक समझदार आदमी चुनिए, उसे मेंबर बनाइए और इसके बाद देखिए क्या होता है। आकाश बाबू, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर तुम क्यों नहीं खड़े होते हमारी तरफ से? मैं? हाँ मेंबर? हाँ बाबू, हम सब लोग तुम्हें वोट डालेंगे। हाँ हाँ मेंबर तो क्या आप चेयरमैन बन सकते हैं? आकाश वो कीड़ा, अरे उसकी क्या मजाला हमारे सामने, वो सिर्फ नारे लगा सकता है, हमारी तरह वोटों के लिए लाखों रुपए नहीं फेंक सकता, हम उसे यूं मसल के रख देंगे, हम उसके पोस्टर फाड़ लेंगे। बाबा, आकाश बाबू हमारे आदमी हैं और तुम हमारे भगवान, वोट देना हमारा काम है और जिताना तुम्हारा। इस छोटे से आदमी की एक छोटी सी प्रार्थना है। वो तुम्हारे बुत के? जी नहीं, बुत की नहीं, कुर्सी की। कुर्सी क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि सरकार तो सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी बनाती है, लेकिन उस कुर्सी पर बिठाना तो आपका ही काम है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह पिछले साल आपने लाला राम प्रसाद जी को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठा दिया था, इस साल मुझे बिठा दीजिए, मेरे सर पर बड़ा कर्जा हो गया है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं धर्मदास जी से पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे 2 जवान बेटियों की शादी करनी है, इसलिए इस बार चेयरमैन मुझे बनना होगा। नहीं, इस साल मेरी बारी है। सवाल बारी का नहीं, सवाल ये है कि तुम जैसा दाल चावल बेचने वाला चेयरमैन कैसे बन सकता है और तुम्हारे जैसा गारा चूना लगाने वाला चेयरमैन बन सकता है? चेयरमैन मैं ही बनूंगा। मैं बनूंगा, 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 मैं बनूंगा। ये मछली बाजार है क्या? मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा ओहदा इतना सस्ता हो सकता है, इतना घटिया हो सकता है। अगर लोग अपने कर्जे उतारने के लिए या अपनी बेटियों की शादी करने के लिए चेयरमैन बनने शुरू हो गए तो इस शहर का क्या होगा, जनता का क्या होगा? नारायण नारायण, ये सोचकर मैंने फैसला कर लिया है जी कि इस बार ये तकलीफ मुझे ही उठानी पड़ेगी, मुझे ही चेयरमैन बनना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात। पब्लिक ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो मेंबर चुने हैं उनमें से चेयरमैन के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, श्री धर्मदास और श्री आकाश चंद। श्री धर्मदास को धर्मदास जी की। अभी नहीं, अभी नहीं। श्री धर्मदास को 11 वोट मिले हैं, श्री आकाश चंद्र को 13 वोट। ये क्या हो गया धर्मदास जी? हम सोचते थे कि हम शहर के नेता हैं और लोग हमारे पीछे चल रहे हैं,
लेकिन हमें क्या मालूम था कि लोग हमारे पीछे नहीं चल रहे हैं बल्कि हमारा पीछा कर रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते 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 नमस्ते। आपको पता नहीं मैंने कितनी प्रार्थना की है आपकी इलेक्शन के लिए, कितनी प्रार्थना। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आइंदा अर्जियों पे वजन नहीं रखा जाएगा। नहीं तो आपका वजन इस कुर्सी पर ज्यादा देर नहीं रहेगा, समझे ना? जी जी समझ गए। लग रहा लग रहा लग रहा। मेरी कुर्सी जी, कुछ कागज है आपकी मंजूरी के लिए, पहले इस चेक पर दस्तखत कर दीजिए। सेठ सत्यनारायण ठेकेदार। जी हाँ, इन्होंने नेताजी रोड बनाया है। मैं अभी अभी वहां से होके आ रहा हूँ, कल बारिश के चंद छींटे गिरने से वहां सड़क नहीं रही, गड़े गड़े। आपने नोटिस भेजे? नोटिस चेक नहीं जी। नहीं, ये क्या है चेयरमैन साहब? तेल और चावल, जो सेवाराम राशन की दुकान से धड़ाधड़ बेच रहा है। चावल में आधे कंकड़ है और तेल में पूरी मिलावट है। हेल्थ इंस्पेक्टर से कहो कि फौरन एक्शन ले। जी एक मिनट, म्युनिसिपल डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब को भी एक नोटिस भेजो। जी हाँ जी, हम लोग मरीज का भेष बदल कर वहाँ गए थे, मगर जाकर मालूम हुआ कि कोई जरूरी दवा वहाँ मिलती ही नहीं है, और वही दवाएं पिछले दरवाजे से बाहर जाती हैं और खुले आम बाजार में बिकती है। समझ गया जी। हाँ एक बात और, एक बात, सेठ धर्मदास जी को जानते हैं आप? सेठ धर्मदास उन्हें कौन नहीं जानता। उन्हें भी एक नोटिस भेज। उन्हें भी एक नोटिस? ये इश्तेहार देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है कि जनता हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन जो है वो म्युनिसिपैलिटी दे रही है। आप फौरन एक इश्तेहार दीजिए कि यह गलत है। लेकिन आपको तो मालूम ही है धर्मदास जी कितने बड़े आदमी हैं। कानून से बड़े नहीं है, जनता से बड़े नहीं है। एक बात याद रखिए सुप्रिंटेंडेंट साहब, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आप अपने घर की, अपने दिमाग की खिड़कियां बंद कर सकते हैं, लेकिन इंकलाब की आंधी को नहीं रोक सकते।